दोस्तों, हरियाणा कैंपिंग टूर की ये मेरी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में आप देखेंगे नाइट कैंपिंग से पहले की पूरी मस्ती इस नहर में। और हाँ दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना ना भूलें, जो है sachin_dillywala, जहाँ पर मैं सारी लेटेस्ट जानकारी यूट्यूब वीडियो डालने से पहले अपडेट करता हूँ। तो जब हम कैंपिंग के लिए यहाँ जगह ढूंढ रहे थे तो इत्तेफाकन हमें जो है एक भाई मिले, विकास भाई, जो खुद भी यूट्यूबर है। अरे विकास भाई, कूद गए क्या? अरे यार, अरे मैं तो उनको इंट्रोड्यूस करा। चलो, वो जो है विकास भाई हैं, वो भी यूट्यूबर हैं। उन्होंने बताया कि उनके भी यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने जो है हमें बताया कि ये जगह जो है कैंपिंग के लिए बढ़िया है और एक दो जगह और है, तो वो हमें यहाँ लेके आए। पहले हम जो है वहाँ कहीं उस साइड में थे, तो विकास भाई जो है वो हमको यहाँ लेके आए। यहीं पास के ही गांव में वो रहते हैं। तो विकास भाई से मैं मुलाकात कराता हूँ तुम्हारी सबसे पहले। विकास भाई आओ, आओ एक मिनट। देखो, जो हम जो कैंपिंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे वहाँ थे, तो विकास भाई मिले हमें, यहाँ के लोकल हैं। इनका भी यूट्यूब चैनल है, तो हमारी दोस्ती हो गई अभी थोड़ी देर पहले ही। किस नाम से है? देसी यात्री विकास। देखो जो नाम भी एकदम देसी है, देसी यात्री विकास। तो ये मिले, इन्होंने हमें सजेशन किया कि ये जगह जो है, ये जो जगह आप पीछे देख रहे हैं कि ये कैंपिंग के लिए अच्छी है। बाकी एक दो जगह और बता रहे हैं कि एक दो जगह और देख लो तो ये बढ़िया रहेगी। बच्चे जो है अभी ऊपर से कूदेंगे, ये लाइव ये दिखा रहे हैं। उसका स्टैंड में निकल गया भाई, स्टैंड पे से निकल गया, लूज हो जाएगा। तो मैं भी तैयार हूँ अंदर जाने के लिए, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं सीढ़ियों से जाऊँगा, खतरा ज़्यादा है, डूब जाए। ये देखिए, जैसे छोटी सी रही है लेकिन इसमें पानी जो है वो बीचों बीच जो है गहरा स्लोप है, यानी कि ऐसे करके दोनों तरफ से जो है अंदर आ रही है, तो इसमें गहराई ज़्यादा। मैं जो है मैं नहाऊंगा यहाँ पर। बच्चे भी नहा रहे हैं जबरदस्त। भाई मैं भी जा रहा, मुझे भी तैरना नहीं आता, इसलिए मैं भी एक लिमिट तक ही जाऊँगा। ना अफसर भाई गए थे बीच में, लेकिन मैं भी एक लिमिट तक ही जाऊँगा। भैया
डिग्री टेम्परेचर के टेम्परेचर में जो बाइक चला के आया था इस पानी में नहाते ही जो है सारा जो टेम्परेचर था ना वो सारा एकदम दुख दूर हो गए कहते हैं गंगा स्नान कर ले दुख दूर हो गए और पानी जो है बहुत बढ़िया नहाने लायक है और ठंडा भी नहीं है गंगा की तरह लेकिन ये है कि आप नहा सकते बड़े आराम से गहराई थोड़ी सी ऐसे स्लोप बना हुआ है तो थोड़ा सा जिसको तैरना नहीं आता उसके लिए थोड़ा सा खतरा है लेकिन अगर साइड में किनारे पर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो YouTube में देखकर हमें मज़ा आ रहा था जो हमने यहाँ का जो वीडियो देखी थी सेम वही मज़ा हमें यहाँ भी आ रहा है। तो एक दो डुबकी और मारता हूँ उसके बाद फिर आगे बताऊँ। तैरने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तैर नहीं रहा। तैरने की कोशिश कर रहा हूँ आगे काट लेंगे।